मैं तो पहले भी बता दिया आपको कि देखो प्रशासन से बड़ी उम्मीद है हमारे को जी, और आज तो मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं जी, और कल 100% यहाँ के प्रशासन बहुत बढ़िया है, पुलिस प्रशासन है ना, वो बोल के गए थे कि 3 बजे हम आए, 2-2.5 बजे आए के गए थे और गश्त पर जी जी, हमको पूरी तय दिल से उम्मीद है प्रशासन से कि वो इतनी नौबत आने ही नहीं देंगे कि रोड जाम कर दें, वो कर दें, वो ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ के प्रशासन है बहुत ही अच्छे हैं जी जी, तो वो कार्रवाई कल ही कर देंगे हमारे को उम्मीद है, और ये माई है ना बहुत ही बड़ी शक्ति है इनमें जी, तो ये प्रशासन कल ही हमारे को उम्मीद है ये बात की जल्दी जल्दी खुलासा करेंगे, हाँ बहुत जल्दी से जल्दी कल ही कर देंगे वो, ये हमारे को आश्वासन है। चोरों की वारदात यहाँ पे मैनेजर जी हैं जगदीश जी, इन्होंने मेरे को फोन किया जी, और ये रात के 2 बजे के लगभग की घटना बताई जा रही है, और पूरी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, भागवत का बड़ा कार्यक्रम था, सभी को पता है, पूरे क्षेत्र को पता है यहाँ पे, और जो यहाँ दान पेटियाँ लगी हुई थी उनमें से जो भी जितने भी धनराशि प्राप्त हुई उनको खोला नहीं गया, और वो 3 जो दान पेटियाँ थी उनको उठा के ले गए जी, और जहाँ पे इसको इस वारदात को घटना ये हुई है वो जो पेटियाँ हैं पास में निकट ले जाके उनको खोल के ले गए, तो स्थानीय प्रशासन से यहाँ झाझर वासियों की एक ही मांग है कि जो ये घटना हुई है इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जिससे ये घटना फिर से रिपीट नहीं हो, चाहे क्षेत्र में नावलगढ़ में कहीं भी ऐसी घटना रिपीट नहीं हो, ये हमारी मांग है कि एक तो सती का इतना बड़ा भव्य मंदिर है, यहाँ पे इतने ट्रस्टी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसी घटना होने पे गांव के लोगों में रोष है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसके कारण प्रशासन व्यस्त है, इससे सभी ग्रामवासी समझ रहे हैं, परंतु मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल यदि प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तो यहाँ के गांव के जनता इकट्ठी होगी और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, हम 3 दिन का अल्टरनेट देते हैं कि 3 दिन में आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको चोरों को गिरफ्तार करें और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। मेरे पास 3 बजे पंडित जी का फोन आया कि दान पात्र उठा के ले गए तीनों और मंदिर के गेट का ताला तोड़ दिया जी, और मैंने महेश जी प्रतापपुरिया को फोन किया जी, फिर इन्होंने गणेश जी को फोन किया जी, फिर सरपंच जी को फोन किया जी, फिर आरसी शर्मा को फोन किया जी, फिर हम यहाँ आ गए, फिर हम यहाँ आ गए, पुलिस प्रशासन आ गया जी, कैमरे वगैरह में सब रिकॉर्ड है जी, हमारा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्य दी जाए और चोरों को ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाए और पुलिस की झांझर के अंदर गश्त बढ़ाई जाए, उसको दंड मिलना चाहिए। गांव में इस घटना को लेकर काफी रोष है, काफी रोष है गांव में, यह गांव की नाक है सती माता, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपका शुभ नाम? जगदीश प्रसाद जोशी, मैनेजर सती माता मंदिर झांझर जी। बताओ के है यो घटनाक्रम, क्या बहुत निंदनीय घटना है गांव के लिए, पूरी पर सख्त कार्रवाई की जाए जी, और प्रशासन से हमारी मांग है, आज भजन लाल जी आ रहे हैं, कोई बात को नहीं, आज आज के लिए अगर चोरा को और इस चोरी को खुलासा नहीं हो तो रोड जाम कर दी जाएगी, क्योंकि गांव की इज्जत को सवाल है, वो छोटी घटना नहीं है, हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ी घटना है, अगर इस चोरी की दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो तो प्रशासन से हमारी मांग है सती माता के रोड जाम कर दी जाएगी, क्यों भी नहीं हार पाएगा पत्तों भी, चोरी की जहाँ एकदम गहनता से करी जाए, ये मंदिर नहीं है गांव की, ये मानो के पूरा झाझर की इज्जत नहीं है, आसपास का 25 गांव की इज्जत है, मंदिर में चोरी नहीं है, अब पूरा गांव के लिए बहुत बड़ी क्षति को है, तो ये मानना है कि आज कोई बात को नहीं, प्रशासन आप बोल गए हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं भी व्यस्त था भी के लिए, आज आज गाँव का कुछ नहीं करेगा, कल से कि मान टाइम लेवांगा, थाना पर जावांगा 10-20 आदमी और वहां टाइम लेगा, कितना दिन में मान बता देगा, अगर नहीं बतावागा भी टाइम के अनुसार 2-3 दिन की टाइम लेके रोड जाम कर दी जाएगी, गांव की बहुत बड़ी, गांव के लिए बहुत बड़ी घटना है, नाक है इनमें, चोरों को ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाए और जल्दी अरेस्ट किया जाए इन लोगों को जी जी।